फिर स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। सबसे पहले मेरा आपको नमस्कार और पहला तो देखो एक नए दिन की एक नए शुरुआत का मैं हूँ उत्तराखंड के सिंहवाड़ी दानिश पेता। तो देखो आज की ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा दिन कैसे गुजरता है और मैं क्या क्या करता हूँ दिन में। तो जैसा कि दोस्तों भी देख सकते हैं मैं पानी आने लेके जा रहा हूँ, तो मैं रूम बजाऊँगा, कपड़े धोऊँगा, आपको बताऊँगा मैं कैसे कपड़े धोता हूँ, क्या चीज़ें करूँगा इसी ब्लॉग पर। जैसा कि देखो अभी देख रहा हूँ कि अब ये रास्ता है और मैं रास्ते से आगे जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर घास है, देख सकते कुछ स्टेप से यहाँ पर घास उगी हुई है और आज का मौसम बहुत ही साफ है। दोस्तों जैसा कि दोस्तों अभी देख रहे होंगे आप, थोड़े से बादल लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छा मौसम है आज। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हाईवे है, आगे सामने देख सकते हैं और ये रास्ता है। अब मैं जा रहा हूँ रूम की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मोटर ख़राब है तो मेरे को कपड़े धोने हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं अभी मोटर ख़राब हो गया है, ये बाद में सुधारेंगे। तो यहाँ पर कपड़े धोने के लिए बाथरूम, तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी नहा रहे हैं, यहीं पर मैं दोस्तों कपड़े धोऊंगा आज, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मोटर ख़राब हो चुका है तो मुझे यहीं पर धोने पड़ेंगे कपड़े। जैसा कि दोस्तों अभी देख सकते हैं यहाँ पर टंकी है और टंकी में बाल्टी से पानी निकालना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर रखा हुआ है जग और बाल्टी भी रखी हुई है। तो अब धोऊंगा मैं कपड़े। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से दिखता है, तो सामने बाथरूम था वहाँ पर कपड़े धोते थे लेकिन आज मोटर ख़राब होने के कारण यहाँ पर यहीं भी धोना पड़ेगा। तो फाइनली देख रही हूँ मैं धो के अपने रूम में आ चुका हूँ। जैसे यहाँ पर है मेरा रूम और जैसे देख सकते हैं अब यहाँ पर जैसे दीवार है और यहाँ पर बाल्टी में देख सकते हैं अब मैं कपड़े धो के लिए आया हूँ, अब कपड़े सुखाने के लिए इस तार में डाल दूँगा। तो दोस्तों मैं छत में जा रहा हूँ और आपको दिखाऊँगा कि यहाँ से कैसा दिखता है, इस छत से कैसा नज़ारा देखने को मिलता है मेरे को सुबह शाम जब भी मैं छत पे जाता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं सामने दोस्तों खेत है और यहाँ पर थोड़े से घर है और सामने देख सकते हैं दोस्तों खेत है, पानी भरा है, यहाँ खेतों में पानी भरा है और सामने जो सामने खेत है यहाँ पर नहीं भरा है। दोस्तों इन खेतों में धान लगाया गया है और धान हो भी गया है जैसा कि दोस्तों अभी देख रहे होंगे। और सामने देख सकते हैं आज का मौसम बहुत ही अच्छा है और दोस्तों काफ़ी थोड़ी थोड़ी गर्मी भी लग रही है। और सामने देखते हैं अभी बैंक है सामने और ये हाईवे और दोस्तों यहाँ पर तालाब है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि यहाँ पर तालाब है, चार पाँच तालाब है और दोस्तों यहीं पर मंदिर भी है जैसा कि दोस्तों अभी आप दिखा रहा हूँ मैं आपको, अभी आगे आप देख लो कि ब्लॉग में यहाँ पर मंदिर भी है। तो दोस्तों सामने देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर फील्ड है जहाँ पर मैं दौड़ने के लिए जाता हूँ और ये देख सकते हैं मंदिर है यहाँ पर, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था इस मंदिर के बारे में। तो देखिए उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।